ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कोई ज्योतिषीय विश्लेषण करने के लिए नहीं आया हूं, आज आपके लिए और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो क्लाइंट्स हैं जिनका मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं, उनके लिए हमारी वेबसाइट पर कुछ नए फीचर्स अपडेट कर दिए गए हैं। उसको कैसे यूज करना है, कैसे कस्टमाइज राशिफल आपको अपना यूज करना है, इसके बारे में ए टू जेड मैं यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले गूगल पे आपको जाना है और गूगल पे जाकर आपको kundliexpert.com आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप सबसे पहले kundliexpert.com आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहले नंबर पे kundliexpert.com आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा, हमारी वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप हमारे वेबसाइट पर पहुंचेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे की ओर आइए, यहाँ पर दैनिक राशिफल देखिए, अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, आपका फुल एनालिसिस, मासिक राशिफल, इसके अलावा गुरु का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, राहु केतु, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का, और ये सारे ही राशि परिवर्तन आपको यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई देंगे। और इसमें से किसी भी लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसका डेमो रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे दैनिक राशिफल देखना है, तो दैनिक राशिफल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका एक पीडीएफ पेज ओपन हो जाएगा, और पीडीएफ पेज में आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और किस तरीके से हम ये रिपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। एक डेमो रिपोर्ट है, इसके अंदर दैनिक राशिफल में जो उपाय होते हैं वो बताए जाते हैं। तो दैनिक राशिफल के बाद अगर आप पुनः साप्ताहिक राशिफल इसी तरीके से चेक करना चाहते हैं तो साप्ताहिक राशिफल पे आप क्लिक कीजिए। साप्ताहिक राशिफल या किसी भी रिपोर्ट पे अगर आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कस्टमाइज रिपोर्ट आपको मिलेगा। इसमें कस्टमाइज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी लगन कुंडली है, यानी आप जिस समय पैदा हुए थे उस समय डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो कुंडली डेवलप हुई थी वो है, और साथ में जो ट्रांजिशन चल रहा है, जैसे 11 मई से 17 मई तक का ये डेमो रिपोर्ट में है, तो ये जो ट्रांजिशन चल रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट बनाया गया है। और इसमें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका धन लाभ की स्थिति कैसे रहेगी, आपके शिक्षा की स्थिति कैसे रहेगी, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, यात्राएं कैसी रहेंगी, ये सभी इस हफ्ते के बारे में आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं। इसके अलावा फुल एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो लगभग 165 पेजेस का है, और फुल एनालिसिस रिपोर्ट का भी डेमो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फुल एनालिसिस रिपोर्ट काफी मेहनत करने के बाद बनी हुई है, 165 पेज का रिपोर्ट है जिसपे अभी भी हम लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। इसके अंदर ए टू जेड जितने भी रिपोर्ट आपके हैं, मतलब आपकी कुंडली तो जनरेट होगी, इसके साथ आपकी प्रेडिक्शंस भी यहाँ पर रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका लगन चार्ट दिखाई दे रहा है, इसके बाद 16 टाइप के चार्ट्स होते हैं जिसको षोडश वर्ग कहा जाता है, तो हर 16 वर्ग के चार्ट का एनालिसिस रहेगा, और ये ऑटो जनरेटेड नहीं रहेगा। इसमें कई जगह आप देखिएगा मेरे खुद के कमेंट रहेंगे, लेकिन हैंड रिटन कमेंट ना लिखकर मैं यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे लिखकर पेस्ट करूँगा जिससे कि पीडीएफ बनाने में आसानी हो। हर चार्ट का एनालिसिस होगा, D3 चार्ट हो, D4 चार्ट हो, जितने भी चार्ट होते हैं, कई चार्ट ऐसे होते हैं जिसको होरा शास्त्र में नहीं दिया गया, जैसे D5 चार्ट कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन महर्षि पराशर के षोडश वर्ग में तो नहीं है, लेकिन नीलकंठी या ताजिक नीलकंठी जिसको कहते हैं उसमें इसका वर्णन किया गया है। और इससे हम लोग किस चीज का काम करते हैं, कैसा, जैसे यहाँ पर लिखा है इस वर्ग कुंडली से देव उपासना, मंत्र जाप और अध्यात्म के प्रति झुकाव को चेक करते, तो हर चीज का। और यहाँ पर मेरे अपने इंग्लिश में लिखा हुआ है कमेंट,
और ये सारे वर्ग कुंडली का अध्ययन किया गया है। इससे पहले अभी तक के जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने चेक किया था उसमें षोडश वर्ग कुंडली रहता था और दशा अंतर दशा विषंतरी ये सब चीजें और प्रेडिक्शन रहता था, लेकिन मैंने हर चार्ट का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर इसको डेवलप किया है जिससे कि और प्रिसाइज हो। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स हो वो प्रिसाइज हो। हालांकि कई लोगों को अभी ये रिपोर्ट समझ में नहीं आएगा, तो आपको आपका सारा जो इसे कुंडली कहते हैं कुंडली में एक एक पार्ट का एनालिसिस यहाँ पर टेक्निकल माध्यम से भी किया गया, देखिए चार्ट भी बनाकर यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा दशा अंतर दशा तो लगभग सभी रिपोर्ट्स में होती है, तो दशा अंतर दशा का यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा योगिनी दशा, सुदर्शन चक्र, आपकी कुंडली में कोई पार्श्विक दोष है, आपकी कुंडली में कोई योग है, पंच महापुरुष योग है नहीं है, इन सब चीजों को इस चार्ट में, ये सुदर्शन चार्ट हो गया, और साथ में मांगलिक दोष है या नहीं है, हंस योग है, रूचक योग है, मालव्य योग है, भद्र योग है, शश योग है, गज केसरी योग है, पार्श्विक दोष, कालसर्प दोष, ग्रहण दोष, महालक्ष्मी योग, क्रिएटिव योग, सरस्वती योग, पितृ दोष, ये जो मेजर होते हैं योग तो बहुत सारे होते हैं, साथ में योगिनी दशा के बारे में। और यहाँ पर इसके बगल में गुड वर्सेस बैड दिया हुआ, कितना परसेंट अच्छा होगा कितना परसेंट खराब होगा, क्योंकि कोई भी जो दशा होता है वो 100% ना ही अच्छा होता है ना ही 100% खराब होता है। इसके अलावा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पार्ट है, इसमें आईज नोज माउथ लिप ये कितना परसेंट अच्छा है वो यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे आईज 54 लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूर चश्मा लगाने की नौबत यहाँ पर दिखाई देगी। नोज ठीक है, माउथ लिप्स की पोजिशन सही है, थ्रोट सही है, जिसमें प्रॉब्लम होगा उसका रिपोर्ट यहाँ पर आपको, जैसे डिप्रेशन होगा या एंजाइटी होगा इसका रिपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। और ये रिपोर्ट अभी भी अपडेटेड अपडेट करना है जिससे कि आपको पता हो। इसके अलावा आपके शरीर में जितने दोष होते हैं कफ पित्त वात वो सभी चीजें मेंशन होगा इसमें, मेरा अपना रिमार्क्स भी लिखा रहेगा। पंच तत्व जितने भी होते हैं अग्नि वायु जल आकाश वो कितने प्रतिशत हैं उसका भी यूज किया गया। सर्वाष्टक रेखाएं भिन्नाष्टक रेखाएं इन सभी को इसमें यूज किया गया है। हर ग्रहों के लिए प्रत्येक रेखाओं का वर्णन किया गया है। ये सामान्यता देखा जाए तो लगभग सभी कुंडलियों में मिल जाता है, लेकिन जो क्रिएटिव चीजों में मैंने ऐड किया है उसमें पंच तत्व का ऐड किया हुआ है, साथ में कफ पित्त वात का यूज किया गया है, साथ में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का यूज किया गया है, कौन सा पार्ट आपका कभी अच्छा रहेगा खराब रहेगा, और कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम का यूज करके प्रत्येक वर्ग कुंडली का अध्ययन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे खुद मैंने टाइप किया, उसके बाद पीडीएफ बनाना आसान था क्योंकि लिख कर फिर उसको प्रिंट आउट निकालिए लिखिए और उसको फिर आप आउटपुट में करें तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसके अलावा जो आपको समझना है, जैसे मानसिक परेशानियों का समय कब कब रह सकता है आपका, शनि का रिपोर्ट यहाँ पर दिया है, संतान के जन्म का समय लगभग निकाल दिया गया है, विवाह का समय लगभग निकाला गया है कौन सा समय होगा, कष्ट का समय क्या होगा आपका, सर्वाष्टक वर्ग क्या कह रही है, इसके अलावा क्या आपके कुंडली में कालसर्प दोष है उसका निवारण कैसे किया जाता है, मांगलिक दोष है उसका निवारण कैसे किया जाता है, साढ़े साथी कब आएगा कब खत्म होगा, आपकी कुंडली में प्रत्येक ग्रहों की पोजीशन क्या क्या है वो सब चीज इसके अंदर मेंशन किया गया है, और साथ में एक साल का आपका वर्षफल दिया गया है और इस वर्षफल में पूरी चीजें मेंशन की गई है। तो ये एक प्रयास है वर्जन 1.0 का जिसमें आप फोन एनालिसिस में चीजें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मासिक राशिफल आप यहाँ पर देखिएगा, तो मासिक राशिफल में जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है इसके अंदर हर महीने की आपकी अपनी कुंडली होती है, केवल गोचर का अध्ययन करके प्रिसाइज रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मासिक राशिफल का भी उल्लेख किया गया है, एक तो लग्न कुंडली, साथ में देखिए वर्ष कुंडली, जिस समय आपका जन्म
हुआ, उसके बाद जिस वर्ष की हमें कुंडली निकालनी है वो वर्ष कुंडली मेंशन किया गया, और गोचर को जरूर हम मेंशन करते हैं, गोचर को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें एक फीचर और ऐड किया गया मासिक कुंडली का, मंथली कुंडली। जैसे इस जिस भी जातक की ये कुंडली है उसका जन्म 17 फरवरी 70 के आसपास हुआ था, तो इसलिए इनका जो 17 फरवरी था तो 17 से 18 ऐसे करके 17 के आसपास ही इनका मासिक कुंडली भी बनेगा। तो मासिक कुंडली यहाँ पर जनरेट किया गया है, और ये महीना आपका कैसा बीतेगा धन को लेके, कार्य को लेके, प्रेम प्रसंग को लेकर, और विशेष प्रत्येक दिन का भी यहाँ पे सेग्रीगेशन किया गया जिससे कि प्रिसाइज और एक्यूरेट आपको एनालाइज करके यहाँ पर दिया जाए। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, राहु का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का, इसके अलावा जितने भी बुध का राशि परिवर्तन हो गया, शनि का, गुरु का, जितने भी ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं उसको आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप ट्रायल एक्टिवेट अपना करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आप अपना ट्रायल 30 डेज का ट्रायल ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम भरना होगा, जैसे मैंने KM सिन्हा लिख दिया, और डेट ऑफ बर्थ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा जो भी होगा। जैसे मैं रफली अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एक रफ डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ यहाँ पे, और टाइम ऑफ बर्थ मैंने कुछ भी डाल दिया, ऐसे जो आपका होगा आप उसको फिल कीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ गोरखपुर डाल दिया, ईमेल आईडी मैंने अपना डाल दिया, और कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डाल के इसको सेव कर दिया। तो अभी यहाँ पर ये सब्सक्राइब हो गया, और आपको दो दिन के बाद, एक दिन के बाद जब हमारे जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो कॉल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिपोर्ट होगा वो व्हाट्सएप पर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप फिर होम पे क्लिक कीजिएगा और आप अपना लॉगिन यहाँ पे बना लीजिएगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो यहाँ, तो फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाना है। लॉगिन पेज पे जैसे ही जाइएगा यहाँ पे एक साइनअप मांगेगा, साइनअप के लिए आप अपना एक लॉगिन साइनअप बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक बना लिया है साइनअप, और साइनअप आप अपना खुद भी कुछ डिटेल डाल के इसमें साइनअप आप कर लीजिएगा, तो आपका एक लॉगिन पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लॉगिन पेज हमारा, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है, और डैशबोर्ड ओपन होने के कारण यहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल देख सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, रिपोर्ट्स अपने मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे रिपोर्ट अगर मुझे देखना है तो रिपोर्ट पे मैं जाऊँगा, डेली अगर डेली रिपोर्ट अपडेट किया जाएगा तो आपको यहाँ पर ये व्यू होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह वीकली रिपोर्ट हो गया, जैसे वीकली रिपोर्ट एक यहाँ पर अपडेट किया गया है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो वीकली रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो खुद लॉगिन करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा रिपोर्ट है, इसको हम चेक कर सकते हैं, डेमो है इसलिए आपको यहाँ पर जस्ट बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। ये 30 डेज का आप ट्रायल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ये सर्विस पसंद आती है, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिन्होंने फुल एनालिसिस हमसे कराया है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनको लगातार ये सारे रिपोर्ट्स लगातार मिलते रहेंगे, और आपको पूरा A to Z कभी भी कोई राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है, और जो ये रिपोर्ट बनाया गया है इसमें एक्यूरेसी मैंने जो निकाली है 88% से 92% तक मुझे एक्यूरेसी मिली है, और इस एक्यूरेसी को और बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल करना है, या आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, अपना बर्थ डिटेल डालिए और एक्टिवेट करा दीजिए 30 डेज फ्री ट्रायल का। दूसरा मेथड है कि आप यहाँ पर जाइए और ट्रायल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर डिटेल थोड़ा फिल कर दीजिएगा जिससे कि आपका एक्टिवेट हो जाएगा। व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स क्योंकि जल्दी आता है तो व्हाट्सएप पे अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन तो आपके लिए है। व्हाट्सएप नंबर और यूनिवर्सल जो हम लोग का सेंट्रलाइज नंबर है वो यही नंबर है, तो इसका आप यूज़ कीजिए, और आने वाले समय में और भी अच्छी सेवाएं लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। अभी के लिए केवल मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ये सारा रिपोर्ट मेरे अंडर यहाँ पर बन रहा है, और साथ में जिनको
जैसे मैगजीन्स का भी मैं संपादकीय करता हूँ, अगर आप कोई मैगजीन पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष विज्ञान की मैगजीन, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं लोगों को। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी है, कुछ दिनों में अभी हम इसको 1 ईयर तक कम से कम आप लोगों के लिए फ्री रखे हैं, और 1 ईयर में जब आपको पसंद आ जाएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर आपसे चार्जेस लेंगे। अगर आपको खरीदना हो तो सीधे बाई फॉर योरसेल्फ ले लीजिए यहाँ पर, और आपको केवल 1298 का पेमेंट करना है और ये पूरे 1 ईयर तक ये सर्विस आपको मिलती रहेगी। तो ये था कस्टमाइज राशिफल के लिए, जो पूरा डिटेल है वो आप सभी लोगों के सामने कैसे करना चाहिए। और कस्टमाइज राशिफल में एग्जैक्ट प्रिसाइज रिपोर्ट होता है, एक्यूरेट रिपोर्ट होता है, और इसको ज़रूर आपको फॉलो करते रहना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा, ओम नमः शिवाय।